वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन हब फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 26 मार्च यानी आज तक 7 बज के शाम को 7 बजे विद प्रूफ के साथ में। देखिए इन 5 जोनों से सबसे कम कहां से फॉर्म भरे गए, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी। फ्रेंड्स चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब यानी आपको नीचे लाल बटन मिलेगा वहां से आप सब्सक्राइब, साथ बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लीजिए जो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को चलते हैं शुरू। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सीआर के अंदर ईआर के अंदर अलग अलग पोस्ट दे रखी। यहाँ पर जो आरआरसी जो एग्जाम्स करवा रही है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो आपके आरआरसी अब की बार एग्जाम करवा रहे हैं आरआरसी और आरआरसी के अंदर 1,03,769 पोस्ट है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे यूट्यूबर है, बहुत सारी वेबसाइट आपने देखा होगा कि जैसे बता दिया कि सेंटर ए से 1 लाख फॉर्म भरे गए, यहाँ से 3 लाख फॉर्म गए, यहाँ 45,000 फॉर्म गए, यहाँ 40,000 फॉर्म भरे गए, यहाँ पर आपके 1,75,000 फॉर्म भरे गए हैं, यहाँ पर आपको बता दिया कि 1,80,000 फॉर्म भरे गए, यहाँ पर बता दिया 1,95,000, यहाँ पर बता दिया 1,60,000 और यहाँ पर बता दिया। यानी फ्रेंड्स जो सही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो थीम के अंदर बताया गया है, यहाँ पर बिल्कुल कोई किसी भी प्रकार का किसी के पास में पहले तो डाटा उपलब्ध नहीं रहता है। क्या है डाटा किसी के पास में उपलब्ध नहीं रहता है क्योंकि रेलवे भर्ती की है, रेलवे भर्ती ने जो जो आपकी टीसीएस कंपनी है कंपनी को दे दिया गया और पूरी कंपनी वो पूरी देख रेख करे। यानी रेलवे वालों के खुद के पास में ये ऑफिशियली अपडेट है ही नहीं है कि अब तक किस आरआरसी से कितने फॉर्म भरे गए। दोस्तों फॉर्म सोच विचार से भरे, अपना किसी के बहकावे में मत आए कि भाई इस जोन से इतने फॉर्म भरे इस जोन से इतने। हाँ अगर आपकी पिछली जो कट ऑफ के हिसाब से आप फॉर्म भरना चाहें तो उस हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि अब की बार आरआरबी नहीं करवा रही है आरआरसी करवा रही है। और ये 100% है कि जो आप पर आरआरबी आरआरसी करवा रही है तो फ्रेंड अपनी जगह ही एग्ज़ाम देगी। जो आरआरबी सभी जगह दे लेकिन जो आरआरसी करवा रही है और अभी तक यही फिक्स हो गया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो कहीं भी करवा सकते। लेकिन अभी तक फ्रेंड्स ये निश्चित नहीं हुआ है, आपको ध्यान रखना कि भाई आरआरसी के अंदर कितने फॉर्म भरे, ईआरसीआर के अंदर ईसीआर के अंदर कितने फॉर्म भरे। यानी अभी तक कोई भी अपडेट नहीं पता है कि कहां से कहां तक फॉर्म भरे गए। तो सोच विचार से फॉर्म भरे दोस्तों, उतना ही मैं कहना चाहता हूँ इससे ज़्यादा। हाँ पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर 13,000 है, 10,000 है, 5,000 है, 1,600 है, उस हिसाब से फॉर्म भरे फ्रेंड्स तो फ़ायदा रहेगा। बाकी अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। ये जो सूचना थी वो मैंने दे दी है, कोई फिक्स ये टाइम नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो वीडियो चलो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने सुझाव भी देते रहें क्योंकि दोस्तों अब आपको ये चीज़ बताएं। हाँ अगर आपने फॉर्म भरा है, अगर आपने फॉर्म भरा है लास्ट के जो डिजिट है अगर वो चीज़ आपको बता रही है तो आप सही। अब वो भी आपकी एडिटिंग करके बताया जा रहा है क्योंकि किसी को नहीं पता। अब एक मान चलते हैं फ्रेंड्स कि आप 5 दोस्तों, कितने दोस्तों, 5 दोस्तों, एक ने भरा कोलकाता से, दूसरे ने भरा अजमेर से, तीसरे ने भरा अहमदाबाद से, चौथे ने भरा इलाहाबाद से, पांचवे ने भरा मुंबई से। अब यार को ये बताओ इन दोस्तों वाला इनके पास में डाटा कहाँ से आएगा, इन दोस्तों वाला इनके पास में डाटा कहाँ से है। यानी कोई भी किसी का डाटा नहीं है। हाँ बिल्कुल अगर आपको एक दो बता सकते हैं, जैसे हमने 10 जनों का इकट्ठा कर लिया कि ये कोलकाता से भरा, इनका ये है, इनका ये, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए। अब क्या है किसी के विद प्रूफ नहीं बता रहे, सीधे ऐसे ही बता रहे कि इस जॉन से इतने फॉर्म भरीजिए, आप देख लीजिए। अब इसमें इसके पीछे मैं भी लिख सकता हूँ इतने फॉर्म भरे, इतने फॉर्म भरे, और एडिटिंग भी कर सकते हैं, क्या फ़र्क है। तो अपना टाइम न गमाएं फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको वीडियो लेकर, वीडियो अच्छा लाइक और शेयर जरूर करें, अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।